हेलो फ्रेंड्स, द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेंज पासवर्ड को चेंज करने की फंक्शनैलिटी क्या होती है, उसमें हम क्या क्या फील्ड यूज करते हैं और क्या हम तरीके अपनाते हैं जिससे हम पासवर्ड को सही तरीके से डेटाबेस में अपडेट कर सकें। तो इसमें हमें तीन फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। करंट पासवर्ड, जैसे हमें क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है, पहले से आपका डेटाबेस में या फिर डेटाबेस में कोई पासवर्ड स्टोर है उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो एक करंट पासवर्ड की हमें फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद न्यू पासवर्ड और थर्ड वन है कन्फर्म पासवर्ड, कि आप जो पासवर्ड नया डाल रहे हो उसको एक बार कन्फर्म कर दो कि सेम पासवर्ड है, कहीं आपने गलत पासवर्ड या जो सोचा आपने कहीं वो है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे किया है, इसका कोड देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है, व्यू बनाया है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से हमने बनाया है। ये बूटस्ट्रैप की CDNs है कुछ, JS और CSS। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे पासवर्ड शो और जैसे हाइड और शो कर रहे हैं पासवर्ड, तो उसके लिए हमने लगाया हुआ है और कुछ CSS हमने लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये है सक्सेस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाता है तो उसके लिए मैसेज को प्रिंट कराने के लिए ये हमने फॉर्म का टैग लगाया हुआ है। ठीक है, फॉर्म में एक्शन दिया हुआ है कंट्रोलर, उसके बाद कंट्रोलर के मेथड का नाम। ठीक है, उसके बाद कर यहाँ पे फील्ड बना रखी है, लेबल हो गया डिव। ठीक है, पहला डिव हो गया करंट पासवर्ड के लिए जिसका नाम हमने दिया है वी ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जिसको हमने नेम यहाँ पे दिया है वी पासवर्ड, और उसके बाद हमने दिया हुआ है कंफर्म पासवर्ड, वी कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और हर जगह हमने क्या दिया हुआ है, एरर को प्रिंट कराया, अगर कोई एरर आता है तो बेस में इनपुट फील्ड के नीचे क्या प्रिंट होना चाहिए उसको हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर हमने इनपुट टाइप सबमिट दिया हुआ है कि फॉर्म सबमिट हो, मतलब कि जो हम पासवर्ड चेंज करने के लिए जो डेटा हम फील्ड में फीड कर रहे हैं वो क्या हो, सबमिट होके कहाँ जाए, डेटाबेस में अपडेट हो, तो उसके लिए हमने सबमिट बटन बनाया हुआ है। और दूसरा बनाया हुआ है एक बैक का बटन बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने एंकर टैग दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब एक चीज़ और देखना है, general.js इसमें हमने क्या फंक्शनलिटी लगा रखी है। general.js में हमने क्या किया है, पासवर्ड शो, मतलब पासवर्ड शो और हाइड की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने यहाँ पे दी हुई है general.js में। आप js डायरेक्ट अगर आप चाहते हो तो यहीं पे लिख सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर करके, या फिर आप अगर अलग आप लिख के उसे यहाँ पे आपने इंक्लूड करवा दिया, यहाँ पे हमने लोड करवा दिया कि एसेट्स js general.js में है। अगर आपको फाइल देखनी है तो फाइल में दिखा देता हूँ, ये है एसेट्स। ठीक है, ये हमारा कोडिंग राइटर नाम है इसका, एसेट्स के अंदर js के अंदर क्या है general.js, तो उसको हमने यहाँ पे क्या करा रखा है, इंक्लूड करा रखा है। ठीक है, इंक्लूड कराया हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म को अगर हम सबमिट करेंगे तो कहाँ पे जा रहा है, लॉगिन सेव पास। ठीक है, तो लॉगिन कंट्रोलर का नाम है, सेव पास यहाँ पे कहाँ है, फंक्शन का नाम है सेव पास, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले हमने पोस्ट के थ्रू डेटा ले लिया है, एक्सेसेस क्लीन, मतलब कि कुछ भी अगर ये हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमने कर रखी है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, मतलब अगर कोई स्क्रिप्ट फील्ड के थ्रू स्क्रिप्ट भेजता है जो कि आपके साइट को हैक कर सकती है, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक्सेसेस क्लीन लगा रखा है जो कि सिक्योरिटी का एक मेथड होता है। ठीक है, फिर हमने वैलिडेशन के रूल लगा रखे हैं चार, $this.formValidationSetRule, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वैलिडेशन की जो लाइब्रेरी होती है आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे हमने लोड करा रखा है, ऑटो लोड में जाओगे आप। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन की लाइब्रेरी होती है उसको यहाँ पे आप लोड कराओगे ऑटो लोड .php में। ठीक है, तो ये हमने करा दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, $this.formValidation.setRules, तो ये आपने क्या दिया है, नेम, जो यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया है ये है लेबल का नाम, और उसके बाद आपको जो देना है यहाँ पे रूल्स में रिक्वायर्ड है या फिर ट्रिम है या जो जो आपको देनी है वहाँ पे यहाँ पे दे सकते हो, तो सिंपली मैंने अभी रिक्वायर्ड दिया हुआ है। ओल्ड पासवर्ड में हमने क्या किया कि ओल्ड पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है, देखो यहाँ पे आप ओल्ड पासवर्ड है जो आप करंट पासवर्ड डाल रहे हो, मतलब क्या है, करंट पासवर्ड मतलब जो भी पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हमने नाम दिया है ओल्ड पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड क्या होना चाहिए,
उसको हमने नाम दिया है ओल्ड पासवर्ड। और ओल्ड पासवर्ड क्या होना चाहिए, मैच कराना चाहिए, कहाँ से, डेटाबेस से मैच करना चाहिए कि पहले से जो पासवर्ड एग्जिस्ट है उससे ओल्ड पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या लगाया हुआ है, देखो एक रिक्वायर लगा रखा है रूल में, दूसरा है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में प्रीफिक्स हम लगाते हैं कॉल बैक, उसके बाद क्या है बाकी फंक्शन का नाम, ये हमारे फंक्शन का नाम है इतना, और प्रीफिक्स हमने लगा रखा है अंडरस्कोर लगा के कॉल बैक, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे चेक किया हुआ है देखते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मैच के क्या डिफरेंस है, कॉल बैक हमने प्रीफिक्स लगाया इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉलर दिस डॉट प्रोफाइल मॉडल चेक करेंट पासवर्ड वी ओल्ड पासवर्ड, तो यहाँ पे हम भेज कर रहे हैं ओल्ड पासवर्ड। तो यहाँ पे आप पैरामीटर में लिख दोगे, यहाँ पे पैरामीटर में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे लिख दोगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ले लेगा जो इसकी वैल्यू है ओल्ड पासवर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, प्रोफाइल मॉडल ये है, यहाँ पे चेक करंट पासवर्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आईडी, हमने आईडी यहाँ से पास कर रखी है, हम बेसिकली स्टैटिकली यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, आईडी नंबर एक पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। आईडी हमने वन यहाँ पे सेंड कर रखा है, तो आईडी वन के लिए चेक कर रहे हैं कि इस आईडी पे और इस पासवर्ड आईडी इज इक्वल टू वन पे वे, देखो हमें क्या करना है, डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वी आर हियर सेलेक्टिंग डेटा, ऑल डेटा वेयर आई आई डी इज इक्वल टू दिस वन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो जहाँ पे आई आई डी इज इक्वल टू वन और पासवर्ड इज इक्वल टू वन है, ऐसा कोई रो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नम रोज यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो रिटर्न कर रहा है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कॉल बैक फंक्शनैलिटी, कॉल बैक को यूज कैसे करते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड हम क्या कर रहे हैं, मैच रिक्वायर्ड तो लगाया हुआ है, नेक्स्ट हमने लगाया मैच वी पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या करा रहे हैं, मैच करा रहे हैं किससे, वी पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड है न्यू पासवर्ड और ये है कंफर्म पासवर्ड, तो इन दोनों को मैच कराना होता है क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, तो इसके लिए हमने ये लगाया हुआ है। फिर है डॉलर दिस डॉट फॉर्म वैलिडेशन सेट मैसेज वी ओल्ड पासवर्ड मैच, अगर ओल्ड पासवर्ड मैच करता है तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड करेंट पासवर्ड, ये ओल्ड पासवर्ड मैच क्या है, इसका नाम है कॉल बैक फंक्शन का नाम है। फिर डॉलर दिस डॉट फॉर्म वैलिडेशन सेट एरर डेलिमीटर्स, तो ये चीज़ सेम हमने दिया हुआ है किसमें, यहाँ पे दिया है चेंज पासवर्ड में, एको फॉर्म एरर, एरर कोई आता है तो कहाँ पे इनपुट फील्ड के नीचे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने अगर फॉल्स है तो हम क्या कर रहे हैं, व्यू लोड करा दे रहे हैं सिंपली एरर मैसेज के साथ, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, सक्सेस पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली और व्यू को हमने लोड करा दिया है, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं इसको, तो आपको समझ में आ गया होगा कोड कैसे है, ये आपका जेएस हो गया शो और हाइड करने के लिए, और पासवर्ड चेंज जो हम कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है, ये हमने लगाई है यहाँ पे, ये है चेंज पास लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पासवर्ड भेज रहे हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करा दिया है डॉलर डेटा वी पासवर्ड, और इसे हम वेयर आई डी इज इक्वल टू वन वहाँ पे हमने पासवर्ड क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। तो रिसेंटली हम देखते हैं पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है हमारा वेलकम है, ठीक है, हमें इसे चेंज करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली कर देते हैं, कुछ एरर आना चाहिए, तो सेव पासवर्ड जो हमने किया तो क्या आ रहा है, इनवैलिड करंट पासवर्ड, द न्यू पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या लिखा वहाँ पे, वेलकम, तो वेलकम हमने लिख दिया, ठीक है। नीचे हमने क्वेश्चन डाला, एंटर करा रहे हैं, एंटर कराया तो क्या हुआ, द न्यू पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से डालते हैं वेलकम, ठीक है, देख लो यहाँ पे शो करा लो क्या लिखा हमने, वेलकम, ठीक है। नया पासवर्ड हम डाल रहे हैं, कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है, शो करा लो, एक मिनट, ये राघव हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी डाल लो, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी डाल दिया, ठीक है अलेक्सा। ये अब इसको हम अगर सेव करेंगे तो क्या आएगा, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे कह रहा है द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड डज नॉट मैच द न्यू पासवर्ड, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, अब इस बार हमने सही डाला है वेलकम, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं इसको, डाल देते हैं हम पासवर्ड ही डाल देते हैं,
ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड ही हमने डाल दिया, यहाँ भी हम डाल देते हैं क्या पासवर्ड। तो इस बार हमने सेम सही चीज़ डाल रखी है, तो इसको हम सेव कराते हैं, सेव कराया तो क्या गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हम क्या करा सकते हैं कि पासवर्ड अगर हमें चेंज कराना हुआ है तो ये फंक्शनलिटी हम लगा सकते हैं, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने यूनिक ईमेल के बारे में वीडियो डाल रखी है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जैसे कि हम किसी को, किसी यूजर को रजिस्टर करा रहे हैं तो उसकी ईमेल आईडी यूनिक है कि नहीं, मतलब उस सेम ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हुई चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी, कि पासवर्ड को हम चेंज करते हैं तो क्या क्या फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, पासवर्ड को एंटर कराते समय शो और हाइड की फंक्शनैलिटी कैसे लगाते हैं, और पासवर्ड को सक्सेसफुली हम चेंज कैसे कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।